दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान के सत्र में आपका स्वागत है। आज किसी भक्त ने, ईश्वर भक्त ने, ईश्वर प्रेमी ने ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट द्वारा अपनी शंका प्रदर्शित की थी, जिसको हम यहाँ पर अभी उसके संबंध में कुछ चर्चा करने वाले हैं। चिंतामणि स्तोत्र का पारायण कैसे करना चाहिए, किसने करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और मार्गशीर्ष महीने में ही करना चाहिए क्या और इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए क्या, ऐसे बहुत सारे सवालों को मिलाकर उन्होंने एक सवाल किया हुआ है, चिंतामणि स्तोत्र। महानुभाव संप्रदाय स्वामी श्री चक्रधर द्वारा स्थापित है। उन्होंने सकल मानव जाति को कर्म कांडों से मुक्त करने के लिए एक ऐसा जीवन, जिस जीवन में कोई भी अंधानुकरण न हो, अंधश्रद्धा न हो और डोलस बुद्धि से विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके हर कार्य किया जा सके, इस भावना से परमेश्वर प्राप्ति हर जीव का अधिकार है और प्रत्येक जीव ने उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए और उस दिशा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस महान उद्देश्य से भगवान जी कहते हैं कि हमारा व्यसन है, एडिक्शन है कि जीवों का उद्धार हो सके। इस एक पंथ का, इस रास्ते का, एक विचारधारा का निर्माण स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने किया, उसके हम अनुयायी हैं। हमारा दायित्व है कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी द्वारा बताए गए 1238 सूत्रों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न प्रतिदिन 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 करते रहे करते रहे करते रहे। लेकिन पूरे 1238 सूत्रों को अपने जीवन में उतारने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वो एकदम से आज नाम ले लिया कल हमारी योग्यता बन गई, ऐसा कदापि शक्य नहीं है। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। लेकिन ये जब यात्रा रहती है, ये जो प्रयास की जर्नी हमारी जारी रहती है, उस समय में हम सांसारिक कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे हमारे जैसे कोई जीव है जो बचपन में ही आश्रम में है, हमारा पूरा बचपन, पूरा हमारा जो यंग एज है, ये सब कहाँ जा रही है, आश्रम में जा रही है। हमारे लिए सांसारिक कर्तव्यों की कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में और उस कारण हम 1238 सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का और उस 1238 सूत्रों पर चलने का प्रयत्न आज से भी कर सकते हैं। हमारे लिए वो सहूलियत है क्योंकि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ ऐसा योग हमने जोड़ा है कि हमारा बचपन से ही इस दैव राहटी में, आश्रम में हमारा क्या हो गया, योग आ गया, गुरु जी के सानिध्य में, गुरु माता के सानिध्य में हमारा जीवन क्या हो गया, तर गया। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये सांसारिक व्यक्तियों को मुख्य रखकर किया गया प्रश्न है। आजकल के इस तकलीफ देह वातावरण में ऐसा सांसारिक जीवन जिसमें सुख 20% है, 80% दुख है। अब प्रत्येक व्यक्ति को सुख की अपेक्षा है और वो सुख के पूर्ण पूर्तता के लिए वो मेहनत करता है। वो ईश्वर प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करता पूरी तरह से, वो सुख प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संसारी व्यक्ति के जीवन में अनेकों व्यक्तियों का जीवन जुड़ा हुआ होता है और उस कारण उसे वो करना ही पड़ता है। बाबा जी, मेरे बच्चे का अच्छा हो, मेरी लड़की का अच्छा हो, उसे अच्छा घर मिले,
उसका जीवन अच्छा रहे, मेरी प्रॉपर्टी जमा हो, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिले, मेरे बाप दादे की प्रॉपर्टी मुझे मिले, मैं उसको बढ़ा के और बच्चों को सौंपूं, ये जो भूमिकाएं हैं व्यक्ति की, उसको सांसारिक कर्तव्य हम कहते हैं। सांसारिक कर्तव्यों में दुख की कमी करने के लिए, वैसे अगर देखा जाए तो कर्म के अनुसार प्रत्येक घटना, प्रत्येक दुख, प्रत्येक सुख हमारे जीवन में आना ही आना है, वो फिक्स है, उसमें कोई भी बदलाव हो नहीं सकता। लेकिन हमारे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी, परमेश्वर अवतार जो है उसको, उनको कहा जाता है अनार्जित दाता, कि जो हमने जोड़ा नहीं है वो भी देने की क्षमता किसमें है? स्वामी श्री चक्रधर महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, ये जो चतुर्युगी अवतार है, उभयदृश्य अवतार है, ज्ञान प्रेम का जो दातृत्व कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अनार्जित दाता, कि जो हमारे कर्मों में अर्जित नहीं है, जो हमने सुख कर्मों में अर्जित नहीं है, वो भी अगर हम प्रार्थना करें तो हमारे प्रार्थनाएं, मनोरथ, वो सब क्या है, पूर्ण हो सकती है। और इसके लिए ये चिंतामणि स्तोत्र, इसका पाठ करें, एक विधिवत विधि के साथ पाठ करें, समस्याओं के अनुसार विभिन्न स्तोत्र है संप्रदाय में, उन सब स्तोत्रों के बारे में आप अपने गुरु से, या आपको अगर कोई सांसारिक समस्या हो तो हमारा संस्था का एक पार्ट है विश्व शांति ज्योतिष केंद्र बोल के, उसके माध्यम से आप सांसारिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारा प्रश्न आया है, चिंतामणि स्तोत्र का पाठ कैसे करें? आपके जो सब मिला के जो प्रश्न है उनको एक 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 करके हम अभी सुलझाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, पहला पार्ट है चिंतामणि स्तोत्र का पारायण कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए का जवाब है, आपके गुरु ने या आपने जिसके सामने समस्या प्रकट की, उन्होंने जो आपको विधि बताया है, उस विधि के अनुसार आपने चिंतामणि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी किसी को बताया जाता है पूरब की ओर मुख करके करो, किसी किसी को बताया जाता है उत्तर की ओर करो, किसी किसी को बताया जाता है दक्षिण की ओर करो, किसी किसी को बताया जाता है कि आप पूरा आसन लगा के आराम से बैठ के करो, किसी को बोला जाता है खड़े होके करो, किसी को बोला जाता है दीवार के सहारे खड़े होके करो। ये जो विधि अलग अलग है, ये अलग अलग प्रश्नों पर, अलग अलग जो रोग है उन पर ये इलाज है, ठीक है। कैसे करा कि आपको समझ में आ गया, जैसे आपको विधि जिस उद्देश्य से बताया है उस तरीके से आप करो। किसने करना चाहिए, उसमें ही दूसरा प्रश्न, किसने करना चाहिए? जिसका जिसकी बीमारी है उसने खुद करने से 100% लाभ होता है। मेरे से पॉसिबल नहीं है बाबा जी, मुझे समय नहीं है, या वो एटमॉस्फेयर मेरे घर में नहीं है, तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे को नहीं करना नहीं पड़े लेकिन मेरा काम हो जाए। तो किसने करना चाहिए का जवाब है, हो सके 100% इलाज के लिए आप अपना अपना करो, क्योंकि गोली अगर आप खाओगे तो ही आपको इलाज होने वाला है, प्रार्थना आप करोगे तो आप पर असर होने वाला है। लेकिन पॉसिबल नहीं होता तो कभी कभी दूसरों द्वारा भी करवाया जाता है, तो पास वाले मंदिर आश्रम से संपर्क करके आप उनके द्वारा भी पाठ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया किसने करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए का एक ही उत्तर है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी के साधना है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सांसारिक सुखों के लिए यह पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है का जवाब ये, सांसारिक सुख के लिए यह किया जाता है। कब करना चाहिए, अगला जवाब है, कब करना चाहिए? भाई करना तो रोज चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी आप बिना उद्देश्य के भी पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है। आप बैठे हो, आपको लगता है कि नामस्मरण में मन नहीं लग रहा है अभी, तो मैं अभी कुछ पाठ करता हूं, किसी ना किसी तरीके से मैं ईश्वर से खुद को जोड़ के रखता हूं, तो आप कभी भी वो पढ़ सकते हो, उसको कोई मर्यादा नहीं। बस दोपहर का जो समय होता है, तामस काल जिसको बोलते हैं, 12 से 3 के बीच का, उस समय में हमने नहीं पढ़ना चाहिए।
और सुबह से जो 3 से 6 का समय है, 6 से 9 का समय है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मन सात्विक होता है, समय भी सात्विक होता है, तो पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। कितनी बार करें, अगला सवाल है, कितनी बार करना चाहिए? अरे भाई, अगर आप किस हेतु बुद्धि से कर रहे हो तो आपको बताए गए जितनी संख्या होगी उतनी संख्या के अनुसार करें। और अगर आप हेतु बुद्धि से नहीं कर रहे हो पाठ, तो आप कितनी भी बार कर सकते हो। आप 5 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो, 51 बार पढ़ो, 101 बार पढ़ो, केवल 1 बार पढ़ो, कोई इशू नहीं है उसको। कितनी भी पाठ निर्हेतुक है तो, अगर हेतुक है तो जिन्होंने बताया हुआ उपाय होगा उनके अनुसार आप पढ़िए। अगला है कि मार्गशीर्ष महीने में करना चाहिए क्या। देखिए, पाठ कोई भी विधि हो वो एक पर्टिकुलर समय में करने से उसका लाभ ज्यादा हो सकता है। ये दत्तात्रेय महाराज जी से संबंधित होने के कारण इसको मार्गशीर्ष में ज्यादा किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि मार्गशीर्ष में करना चाहिए ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। आप 12 महीने कर सकते हो। दत्तात्रेय महाराज चतुर्युगी अवतार है, प्रतिदिन उनका शेड्यूल आप सबको पता है, और विद्यमान अवतार है। परमेश्वर का कोई ऐसा महीना दिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप 12 ही महीने 365 दिन भगवान के ही है। आप कभी भी भगवान जी से प्रार्थना करो, भगवान जी सुनने ही वाले हैं। बस प्रार्थना करते हुए हमारे हृदय में उस समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये शंका समाधान का ये सेशन है मेरे ख्याल से। हाँ, अगला एक प्रश्न रह गया कि इच्छा पूर्ण होने के लिए करना चाहिए क्या। देखो, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि आपकी कोई भी क्रिया निर्हेतुक बुद्धि से होनी चाहिए। निर्हेतुक क्रियाओं का स्वीकार परमेश्वर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, लेकिन अगर आप हेतु क्रिया करते हो, सांसारिक सुख पाने के लिए करते हो, फिर भी कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हमारी ओर से तो हम सजेशन देंगे कि सब क्रियाएं आप निर्हेतुक बुद्धि से किया करें, हेतुक बुद्धि से कोई कुछ मत किया करे, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका हो गया है। बाकी आप और शंका है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस विषय में भी अगर आपके पास कोई और नॉलेज है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। अगले शंका समाधान में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।